अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह के फजल करम से उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मकई के हवाले से, सोनी धरती 626 बीज के हवाले से मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये माशाल्लाह आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि मकई के जो है ना, ये यहाँ तक मेरे आ गई है मकई। तो आज जो मैं इसको खुराक देने जा रहा हूँ वो भी आपको मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखे नीचे केन आई पड़ी है, इसके जो है ना मुकम्मल तफसील में आपको ये देखें। ये सर सरसा वालों की ये केन है पड़ी होममेड की, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये देखें ह्यूमिक एसिड 10% है पड़ा, और 3.5% इसमें पोटाश और अदर इंग्रेडिएंट्स हैं पड़े। तो ये देखें मकई और दूसरे पानी का, ये उसका सारा इस्तेमाल लिखा हुआ है। ये पिछले साल भी मैंने मकई में इस्तेमाल की थी, माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दिया था इसने। तो इसके साथ ये है, ये 2 एकड़ों की है पड़ी। 1 एकड़ में इसको जो है ना आप 12.5 किलो 10 लीटर 1 एकड़ में, 10 लीटर दूसरे एकड़ में इसको जो है ना फ्लड करनी है। ये अब ये ड्राम आए पड़ा है, एक बोरी गवारा इसमें भाई को मैंने कहा है कि वो ले आए, आधी बोरी गवारा 1 एकड़ को और प्लस 10 लीटर ये केन, ये इसके अंदर डाल के फ्लड करनी है मैंने इसको। उसके बाद ये मेरी आखिरी, इसके बाद मेरी एक आखिरी खाद आएगी जो मैंने इसको देनी है। पाक अरब वालों का ये सर गवारा, यूरिया के बजाय जो है ना ये आज गवारे का देने का है इरादा बन गया है। तो ये मेरे पास थोड़ा पड़ा था, ये 5 लीटर पर जो है ना बिगे के हिसाब से जो है ना ह्यूमिड का ये ह्यूमिक एसिड, और तकरीबन 10 से 12 साढ़े 12 किलो जो है ना वो भी फी इस एक बिगे को जो है ना गवारा। इसके बाद एक आखिरी खाद आएगी जो मैंने जो है ना इसको मकई को देनी है, वो खाद मैं दूंगा इसके अंदर यूरिया की। जब ये ऊपर मकई जो है ना भूख निकलना शुरू हो जाएगी ना, सिट्टी टाइप ऊपर साइड से नहीं, ऊपर से जब भूख निकलनी शुरू हो जाएगी उस वक्त आधी बोरी यूरिया 1 एकड़ प्लस 12.5 किलो मैं इसके अंदर पोटाश डालूंगा। वो भी थैला आया पड़ा है, इम्पोर्टेड है पड़ी वो पोटाश, 8,500 की वो मुझे मिली थी। मैं वो भी आपको उसके बारे में भी मुकम्मल मालूमात दे दूंगा, फराम कर दूंगा जब मैं वो मैं डालने लगूंगा। तो वो उसका मरला ये है कि फिर 75 या 72 डेज की जब मक्की होना शुरू हो जाती है ना, फिर सिट्टी लगना और दाना उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले हमने उसको पोटाश देनी होती है ताकि वो दाने को ताकत दे और दाना बड़ा हो जाए। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त अभी तक फसल पड़ी है। लास्ट टाइम मेरी 95 मन पर एकड़ के हिसाब से इसकी आई थी, एवरेज आई थी। इस मरतबा देखते हैं क्या बनता है। तो खुराक का जो मुकम्मल तरसील है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरह इसको खुराक दी है अभी तक। तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी भी मुकम्मल मालूमात फराम कर दूंगा, अभी जो जो इसके अंदर मैंने खादें इस्तेमाल की हैं, जो जो इसको ऊपर स्प्रे की है और दवाई जहर वगैरह डाली है, और जो इसको ह्यूमिक एसिड दिया है, उसकी तमाम मालूमात इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ये देखें व्यूवर्स, ये जो है ना अब इसमें थोड़ा सा मैलूल बन गया। अब उसको केन को भाई खोल रहे हैं, उसमें से जो है ना 5 लीटर हमने डालनी है फी एक बिगे को, यानी 4 कनाल को। 10 लीटर डालते हैं 8 कनाल, यानी कि 1 एकड़ को। 4 कनाल का 1 बिगा होता है, 8 कनाल का 1 एकड़ होता है। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ, काले रंग का मैलूल है ज़बरदस्त। अब इसको हिला के इसमें डालेंगे, माल आ गया भाई, माल आ गया, माल आ गया, माल आ गया, माल आ गया। ये देखें गाइस, अभी हम ये कोका कोला बनाएंगे। ये देखें गाइस, हा हा हा, मजे मजे हो गए। कोका कोला बन गया भाई, ये
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो जो है ना तने को ताकत मिलेगी और जो है ना बढ़ोतरी भी अच्छी होगी मज़ीद, और छल्ली का साइज़ भी बढ़ेगा। पोटाश का काम होता है छल्ली को जो है ना ताकत देना, छल्ली के दाने का वज़न बढ़ाना, ये काम है छल्ली का साइज़ को बढ़ाना, तने को ताकत देना। ये देखें जरा, ये देखें व्यूअर्स, कोका कोला हो गई तैयार मकई के लिए। ये देखें ये जा रही है, आहा मज़े। ये भाई हमारे पीने के लिए नहीं है, ये मक्खी के पीने के लिए है कोका कोला। इसका अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिनों बाद जो रिजल्ट आना है ना, मज़े करा देने हैं इसने। ये देख ये गया भाई, वो देख वो जा रहा है। 8 दिनों बाद माशाल्लाह ये एक तो इसका तना डबल हो जाएगा, इससे साइज़ भी डबल हो गया इंशाल्लाह। और इसका आप कादे देखना, ये अभी तकरीबन 5 फुट के करीब कादा है इसका, ये कम से कम 1.5 फुट 2 फुट कद इसका और बढ़ जाना है। उसके बाद फिर इसका ऊपर से जब भूख निकलनी शुरू हो गई ना, उस वक्त फिर हम इसको देंगे, ये देखें काला पानी हो गया कोका कोला वाला, फिर हम देंगे इसको इसी तरह एक बाल्टी गवारे की 12.5 किलो 4 कनाल को, और साथ में जो है ना 6.5 किलो पोटाश, वो मिक्स करके देंगे जब ये ऊपर से तन्ना यहाँ से भूख निकलनी शुरू हो जाएगी। कोका कोला की नहरें चला रही हैं, देखें। अब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।